हरियाणा की चुनावी सरगर्मियों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि बीजेपी का मकसद विपक्ष को खत्म करना है। अगर अब की बार बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी राष्ट्रपति बनेंगे। ये सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है, उस गैंग ने इस पार्टी पर कब्जा कर रखा है। राकेश टिकैत ने नैना चौटाला पर हमले की भी निंदा की, कहा कि हम गाड़ी पर हमले का समर्थन नहीं करते, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। टिकैत ने कांग्रेस को समर्थन की बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि हम चाहते हैं किसान संगठन मजबूत हो, सरकार किसी की भी आए, आंदोलन होते रहेंगे, इसके लिए किसान संगठनों का मजबूत होना बेहद जरूरी। नहीं नहीं, हम तो ये हैं कि मजबूती से लड़ो भाई। देखो जो मजबूत लड़ेगा इनमें दोनों में उसको जनता वोट दे देगी। अभी तो इनमें ये 5-7 दिन का खेल है, अपना खर्च खुरच करके काम में जाए, खर्च भी करे, कुछ ऐसा सुखा ही इलेक्शन लड़ रहे, कुछ कर पुरा कुछ दे रहे वैसे। और तो ठीक है, जनता जिताएगी ना, तो हम कहाँ कह रहे हो उसको छोड़ कर, तो अभी तो बंधु है नहीं। किसान से है भाई, किसान तो अपना संगठन पर ध्यान दे, सरकार जिसकी भी आओगी आंदोलन होंगे, क्योंकि आंदोलन नहीं होंगे तो पॉलिसी चेंज नहीं होगी, पॉलिसी चेंज आंदोलन से होगी। आपको लगता है कि मोदी अभी तो नहीं, लेकिन ये राष्ट्रपति बनेगा तो उसको बनाएगा। वन इलेक्शन की जो बात करी है कि एक बार ही इलेक्शन होगा, वो इनका ये है कि ये राष्ट्रपति उसमें बहुत से संविधान में संशोधन करेंगे। राष्ट्रपति अगर ये अब की सरकार इनकी बनेगी तो ये राष्ट्रपति बनेगा मोदी, उसमें संशोधन करेगा। रोहतक लोकसभा सीट पर सभी की नजरें हैं। मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच है। दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में जी जान लगा रखी है। ये सीट हुड्डा परिवार के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। दीपेंद्र हुड्डा गाँव में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खासतौर पर बहादुरगढ़ में। पिछले चुनाव में उन्हें यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था, इस बार वो यहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज अल्पमत में सरकार 42 विधायकों की सरकार, क्योंकि एक एक करके विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया, आपने देखा हो। क्योंकि आज पूरे प्रदेश में इनके प्रति ऐसी नाराजगी बनी, सबसे पहले इनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, फिर इनको अपने उप मुख्यमंत्री की छुट्टी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी इनके विधायक, परसों भी 3 विधायक बीजेपी से वापस समर्थन लेके कांग्रेस को समर्थन 3 विधायकों ने दिया, जिसमें से 2 करनाल के विधायक से खबर साफ। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति आज पूरे प्रदेश में, क्या स्थिति बीजेपी पार्टी की होने जा रही है। महेंद्रगढ़ के सहलंग गांव में भाजपा ने रैली की, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की और पार्टी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह पर जमकर बरसे, कहा कि रावदान सिंह को इस बार हराना है, उनका जो प्रभाव है वो सिर्फ महेंद्रगढ़ तक है। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में जब भी किसी पार्टी की सरकार बनती है तो राव इंद्रजीत सिंह की बदौलत पर। मंच पर किसी प्रकार के एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि 4 तारीख को जब धर्मवीर सिंह के पर्चे के भरने का टाइम आया तो मैं नहीं पहुंचा और भरम लोगों के अंदर डाल दिया कि इंद्रजीत सिंह तो बिरादरीवाद के अंदर फंस गया और ये तो धर्मवीर को जिताना ही नहीं चाहता। आज ऐलानिया मैं कहता हूं कि ये इसलिए आया हूं कि धर्मवीर को जिताने के लिए आया हूं, किसी भी सूरत के अंदर आपके सहयोग के बिना धर्मवीर नहीं जीत सकता। और मैं आपका अजीज हूं, साथी हूं, हम सफर रहा हूं, आपकी आवाज को मैंने बुलंद किया है। आज के दिन मैं आपको यूं कहता हूं कि अगर धान सिंह जीतता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाके मिल जाता है तो सारे राजी, अहीर की जाट से मिट्टी हो गई, बहुत बढ़िया बात। और अगर जाट मेरे साथ दे देता धर्मवीर भी खड़ा, तो धर्मवीर मेरे साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा, ये बताओ मेरे को।
फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मोहना में ग्रीन एक्सप्रेसवे पर पिछले 7 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे किसान, अब चुनाव में किसानों की नाराजगी का खामियाजा भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर को भुगतना पड़ सकता है। किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर को वोट न देने और बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। महापंचायत को लेकर आप क्या कहेंगे? आज की महापंचायत की सामान्य सभा में निर्णय है कि कृष्णपाल गुर्जर को हमें भारी वोटों से हराना है और मोहना में जो कट और अपमान हमारे सरकारी का उसने किया है पिछले 7 महीने से, उसको हमें जमीन से उखाड़ के फेंकना है। उनका जमीन से उखाड़ने का मकसद क्या है आपका? किस तरह से उखाड़ेंगे? सम्मान के साथ और इस ईमानदारी के साथ हमने उनको वोट दिया था। हमारे किसान भाइयों को उतना ही उसने अपमान किया। लाचार होकर वो किसान भाई हमारे अब धरने पर बैठे पिछले 7 महीने से, कोई भी कुछ नहीं है हमारे यहाँ। इस अपमान के बदले उसको धराशाही करना है। वहीं चरखी दादरी में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष जताया। किसान आंदोलन का गढ़ कहे जाने वाले चरखी दादरी के कस्बा बाढ़ा में किसानों ने भीषण गर्मी के बीच करीब 3 दर्जन गांवों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इससे यहां का सियासी पारा बढ़ गया है। कई ट्रैक्टरों पर किसान आंदोलन, महिला पहलवानों, आशा वर्कर, सरपंचों के साथ पुलिस की बर्बरता के फ्लैग्स लगाए गए थे। ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई किसान नेता राजू मान ने की। किसानों ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और जजपा उम्मीदवारों के विरोध का ऐलान पहले ही कर दिया था। तरह से किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बॉर्डर पे किले गाड़ी गई, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई, किसानों पे बार बार लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जो हमारी देश की शान, हमारी जो बेटी पहलवान है उसके साथ दिल्ली पुलिस ने जिस निर्दयता से जो व्यवहार किया और सड़क पे उनको घसीटा, उसको लेके बड़ा आक्रोश है। और इसके साथ चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, सरपंच हो या बाकी दूसरे कर्मचारी होंगे, ये जो सरकार है इसने किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा और यही वजह है कि आज एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। पूरे हलके में आज ये किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, जो कि उस जो हमारी खाप की महापंचायत हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि इन सब जातियों के खिलाफ सरकार से बदला लेने का ये सही समय आ गया है और इसलिए आज सारे किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब लोग सड़कों पर उतर गए हैं और ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें इस सरकार को कड़ा जवाब। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आशंका जताई है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बोगस पोलिंग होती है और इसको लेकर बकायदा इस बार बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने मामला उठाया है ताकि चुनाव के वक्त इस तरह की धांधली ना हो पाए। रोहतक के गलानौर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाने साधे। कहा, कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति करती है, लोगों को झूठे वादे कर सत्ता हथियाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अपना परिवार नजर आता है। कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहां दबंगई करने वाले लोग रहते हैं। हमने इस बार उन गांवों को चिन्हित करके चुनाव आयोग को बता दिया है। चुनाव आयोग आगे एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता लेकर के, पुलिस की सहायता लेकर के, पैरामिलिट्री की सहायता लेकर के और हर पोलिंग बूथ की चिंता करेंगे। कोई भूल पोलिंग बूथ पर और फर्जी वोटिंग ना हो पाए इसका पूरा प्रबंध चुनाव आयोग। मैंने भी यही कहा है कि ये सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार 10 सीटें हार करके भी उनको गम 2 सीटों का हुआ था, 8 सीटें तो भूल ही गए थे। इस बार अपने गम को कम करने के लिए, हर कोई चाहता मैं दुखी थोड़ा कम हूँ, तो उसने 2 के बजाय बाप बेटे में से एक को ही रखा, दूसरी छोड़ दी और वो भी अपने परिवार के बाहर जाने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि परिवार को ही सब कुछ मानता है। अगर वो अपने समाज को, अपने पार्टी को मानता तो फिर और कुछ लोगों को एडजस्ट करता और लोगों को आगे बढ़ाता। देखो बठिंडा दी पुड़ा मार्केट तो ताकड़ वर्सेस ताकड़ 2.0 अज रात 8 बजे लाइव।